नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT India Academy पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम की। जो डॉक्यूमेंट होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, बेसिक उसका क्या है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्यों जरूरी है, डॉक्यूमेंट नंबरिंग कैसे करते हैं, कैसे करनी चाहिए, उसका नंबरिंग का सिस्टम क्या है, कैसे नंबर देंगे, मास्टर कॉपी क्या होती है, कंट्रोल कॉपी क्या होती है, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, साथ ही मैं आपको एक ऑनलाइन QMS सिस्टम भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, वो भी आप देख सकते हो कि ऑनलाइन QMS सिस्टम कैसे काम करता है या पेपरलेस QMS सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है या कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कुछ लोग, कि कंट्रोल क्यों करना जरूरी है डॉक्यूमेंट को। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका नाम क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप उसको कैसे साबित करोगे? तो उसको साबित करने के लिए हम या तो कोई आईडी कार्ड दिखाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे कि भाई ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें ये मेरा नाम है, इस आधार का ये नंबर है। तो ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है वो हर डॉक्यूमेंट का एक आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है, अपने आप में यूनिक पहचान है। एक डॉक्यूमेंट का एक ही डॉक्यूमेंट नंबर होगा, एक ही नाम होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक डॉक्यूमेंट नंबर के साथ चार डॉक्यूमेंट घूम रहे हो। तो अक्सर क्या होता है, एक ही डॉक्यूमेंट नंबर के साथ दो दो डॉक्यूमेंट घूम रहे हैं, या डॉक्यूमेंट का नाम सेम है, डॉक्यूमेंट नंबर अलग अलग हैं। तो इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंट कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर क्या क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट की, उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल का मतलब है कि ये रेडी फॉर यूज है, उसको अप्रूव करते हैं, उसको इश्यू करते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिस जिस डिपार्टमेंट को जरूरत होती है। अगर रिवीजन आती है तो उसकी रिवीजन को रिकॉर्ड करते हैं, री इश्यू करते हैं और डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर करते हैं, इसीलिए जो है डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना जरूरी है। अगर हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल नहीं करेंगे तो होगा क्या कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके से घूम रहे होंगे, कि प्रोडक्शन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है वो राम ने अपने हिसाब से बना रखा है, श्याम ने अपने हिसाब से, घनश्याम ने अपने हिसाब से बना लिया, अगर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्या करता है, इन सारी चीजों को फिक्स करता है, इन सारी चीजों का निवारण करता है कि यूनिक आइडेंटिटी के साथ, यूनिक नेम के साथ ही डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट कंपनी के अंदर इस्तेमाल हो। और कोई भी आप कस्टमर की ऑडिट कराते हैं, चाहे वह मेस की हो, मिंडा की हो, या XYZ एस्कॉर्ट हो, कोई भी कंपनी हो, सबकी मेजर रिक्वायरमेंट यही रहती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वह कंट्रोल होना चाहिए। यही IATF की रिक्वायरमेंट है, यही ISO 9001 की भी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि क्या है, शुरुआत ही यहीं से हो रही है कि कंपनी के अंदर क्या क्या सिस्टम लागू होने हैं। अगर वही नहीं कंट्रोल होगा, वही तरीके से मेंटेन नहीं होगा, तो बाकी के सिस्टम क्या खाक चलेंगे। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों समझते हैं कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। बहुत ही ट्रिकी सा सवाल भी है, समझने को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बड़े आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा, आप इसको बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आप ये आज समझ गए तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऐसा दस्तावेज या ऐसा कागज है जो हमें कोई जानकारी देता है। जानकारी मतलब कि जिसको देख के हमें पता चलता है, समझ लीजिए कि हमें मशीन कैसे चलानी है, इंस्पेक्शन कैसे करना है, वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है। वन टाइम एक बार बन गया और
टंग गया, उससे क्या मिल रही है हमें, इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि WI SOP प्रोसीजर्स, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, वही जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्या हो गया, एक एविडेंस की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट है, प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट है, उसके अंदर क्या करोगे, आप रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्ड से बना रिकॉर्डिंग से बना रिकॉर्ड, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, चीजें नोट करोगे, जब नोट करोगे तो आप उसको एज ए एविडेंस ऑडिट के सामने, ऑडिटर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, जी ये हम इंस्पेक्शन करते हैं, ये इसका रिकॉर्ड है। तो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, वो आपको तरीका बता रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंस्पेक्शन ऐसे 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 करनी है, कार्य निर्देश दे रहा है, ठीक है, या प्रोसीजर आपको बता रहा है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे फंक्शन कर रहा है, वो एक बार बन गया, इन्फॉर्म कर दिया गया, डिस्प्ले कर दिया गया, वही जो रिकॉर्ड है वो डेली बेस पे अपडेट किया जा रहा है, जिसके अंदर जानकारी भरी जा रही है कि आज मैंने ये मटेरियल चेक किया, कल ये मटेरियल चेक किया, उसमें इतने पीस रिजेक्ट मिले, इतने ओके मिले। तो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है और रिकॉर्ड जो है वो एविडेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब दोनों का एक एक सैंपल देखते हैं। अब जैसे आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, जो WI होती है वो डॉक्यूमेंट होती है। WI किस चीज की है, विजुअल इंस्पेक्शन की, जिसके अंदर लिखा है कि क्या काम करना है और उससे रिलेटेड तस्वीर लिखी है कि पार्ट में कोई बर, डेंट, चिप्स, रस्ट, ब्लो होल इत्यादि ना हो, उसकी तस्वीर लगा दी, पार्ट में कोई ऑपरेशन मिस ना हो, उसकी तस्वीर लगा दी, और इसको बना करके हमने क्या किया, साइन वाइन करा के टांग दिया उस एरिया में जहां पर ये यूज होनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हो गई, डॉक्यूमेंट्री से बना है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट हो गया इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या हो गया, रिकॉर्डिंग के लिए। तो रिकॉर्डिंग के लिए क्या होगा, कोई फॉर्मेट होगा जिसके अंदर हम डेटा फीड करेंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये क्या है, एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट है जिसके अंदर हमें क्या है, जानकारी भरनी है, और जानकारी क्या है, खाली है, तो आप क्या करोगे, इसमें डेली बेस में जानकारियां भरोगे, तो ये क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही अगर आप ये बात करें DPR की, तो DPR भी क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, जिसके अंदर डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट का आप जो है डेटा फिल कर रहे हैं, उसको आप एज ए एविडेंस यूज कर रहे हैं कि भाई हमारा OE कितना आ रहा है, प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, एफिशिएंसी कितनी आ रही है, रिजेक्शन रेट क्या आ रहा है, PPM रेट क्या आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या मिल रही हैं हमें, एक रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि डॉक्यूमेंट नंबरिंग का या फॉर्मेट नंबरिंग का सिस्टम क्या होता है, कि नंबर कैसे दें, कोई भी अगर कागज है तो उसको नंबर कैसे देंगे। बेसिकली क्या है, मेजरली चार पांच तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे हमारा मैनुअल हो गया, प्रोसीजर हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शन हो गए, फॉर्मेट्स हो गए, इसके अलावा कंट्रोल प्लान हो गए, PFME हो गए, PFD हो गए, तो ये सारे क्या हो गए, डॉक्यूमेंट के टाइप हो गए या फॉर्मेट के टाइप हो गए। अब इनका क्या करना होगा, हमें एक स्टैंडर्ड बनाना होगा कि जो भी मैं क्वालिटी मैनुअल बनाऊंगा उसको क्या नंबर दूंगा। तो नंबर हमने क्वालिटी मैनुअल को क्या दिया, QM/01। तो यहां पे QM का क्या मतलब हो गया, क्वालिटी मैनुअल, और 01 का मतलब क्या हो गया, पहला क्वालिटी मैनुअल, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रोसीजर्स आ गए, प्रोसीजर्स की हमने नंबरिंग क्या करी, AYT.QSP.DD.XX। तो AYT क्या हो गया, AYT बिजनेस सॉल्यूशन, मतलब कि कंपनी का नाम। QSP क्या हो गया, क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स या SOP। उसके बाद DD क्या हो गया, डिपार्टमेंट का कोड, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका कोड हो गया PD, मेंटेनेंस का हो गया MT, HR का हो गया HR, क्वालिटी का हो गया QA। तो ये क्या हो गए, हमने एक कोडिंग कर दी, इसकी आप लिस्ट बना करके प्रोसीजर के अंदर भी डाल सकते हो कि HR की कोड ये है, प्रोडक्शन की कोड ये है, मेंटेनेंस की कोड ये है, तो इस तरीके से आप प्रोसीजर की नंबरिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे वर्क इंस्ट्रक्शन, उसका क्या है, WI-NN। तो WI क्या हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शन, NN क्या हो गया, सीरियल नंबर। सपोज करिए हमने बनाना किया 01 से, तो उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, WI-01, 02, 03, 04, 05, 06। कुछ लोग क्या करते हैं, WI के साथ साथ डिपार्टमेंट भी जोड़ देते हैं, वो ऐसे करते हैं WI.DD
डॉट एन एन डब्ल्यू आई डैश या डॉट पी डी पी फॉर प्रोडक्शन डैश 01 या डब्ल्यू आई डैश एच आर डैश 01020305। इससे हमें क्या पता चल गया, एच आर के अंदर 10 डब्ल्यू आई है, प्रोडक्शन के अंदर 10 डब्ल्यू आई है, लेकिन उसमें ना कई बार क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दिक्कतें आती है, तो इसलिए आप क्या करो सीरियल नंबर से बना दो, डब्ल्यू आई डैश 01 करके पूरा सीरियल नंबर से जितनी भी डब्ल्यू आईज हैं उनको आप सारी को बना दो। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ये सारी चीजें क्या थी, डॉक्यूमेंट थी, मैनुअल प्रोसीजर वर्क इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेट क्या है, हमारा एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर हमें डेटा फीड करना है। फॉर्मेट का हमने क्या किया, एफ ऑब्लिक डी डी ऑब्लिक एक्स एक्स। एफ क्या हो गया हमारा फॉर्मेट, फॉर्मेट का शॉर्ट नेम हो गया एफ, कुछ एफ एम डी भी ले देते हैं, तो आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डी डी क्या हो गया डिपार्टमेंट का कोड, एफ ऑब्लिक एच आर ये जो फॉर्मेट है वो एच आर का है, स्लैश एक्स एक्स ये सीरियल नंबर है 01020304005। तो सपोज आप एच आर के 10 डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो क्या होगा, एफ स्लैश एच आर स्लैश 01020304005 से लेके आप 10 तक जाओगे। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नंबरिंग दी जाती है। अब समझते हैं मास्टर कॉपी, कंट्रोल कॉपी और ऑब्सलीट कॉपी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो मास्टर कॉपी है ये ऐसी कॉपी है जो कि ओरिजिनल कॉपी है, कोई भी हम जो कागज बनाते हैं उसकी एक ओरिजिनल कॉपी होती है, एक ओरिजिनल दस्तावेज होता है, जैसे हमारी मार्कशीट। मार्कशीट क्या हो गई, हमारी ओरिजिनल कॉपी हो गई, जो हमें बोर्ड से मिली वो हो गई हमारी ओरिजिनल कॉपी। ऐसे ही जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो क्या कहलाता है, मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी को जर्नली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके ऊपर हम स्टैंप लगाते हैं मास्टर कॉपी की, जैसे यहां दिख रहा है आपको, इस तरीके से हम स्टैंप लगाते हैं मास्टर कॉपी की डॉक्यूमेंट के ऊपर, और उसके बाद उसको हम यूज करते हैं और उसको एक मास्टर कॉपी की फाइल बना करके रखते हैं। तो ओरिजिनल कॉपी है मास्टर कॉपी। इसका कंट्रोल सिर्फ किसके पास है, एमआर के पास, या ओनर है जो प्रोप्राइटर है या एमडी है उनके पास रहेगा मास्टर कॉपी का कंट्रोल। इसके बाद जो अगली कॉपी आती है वो आती है कंट्रोल्ड कॉपी। कंट्रोल कॉपी क्या है, जो मास्टर कॉपी है उसकी फोटो कॉपी है और उसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, स्टैंप लगा रखी है रेड कलर की, कंट्रोल्ड कॉपी की स्टैंप, जैसे आपको यहां स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये हमने क्या किया मास्टर कॉपी का प्रिंट निकाला, उसकी फोटो कॉपी करी और उस पर इस तरीके से हमने कंट्रोल कॉपी की स्टैंप लगा दी। तो ये क्या हो गई, हमारी कंट्रोल कॉपी हो गई। कंट्रोल कॉपी किसके यूज के लिए होती है, डिपार्टमेंट के यूज के लिए होती है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एमआर द्वारा या क्वालिटी हेड द्वारा जिस जिस डिपार्टमेंट में यह यूज होनी है। मास्टर कॉपी क्या हो गई, हमारी एक बार बन गई फाइल में रिकॉर्ड बन के चली गई, और जो कंट्रोल कॉपी है जो डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज होगी वो कंट्रोल कॉपी यूज होगी। फोटोकॉपी किसी की हमने मास्टर की, ताकि दोनों में कोई मिसमैच ना हो, ऐसा ना हो कि हमने पहले प्रिंट निकाला मास्टर का, जब कंट्रोल कॉपी का प्रिंट निकालने गए तो वहां पे दो लाइनें डिलीट हो गई या किसी ने अपनी मर्जी से ऐड कर दी। तो इसलिए क्या करते हैं, उसकी हम मास्टर कॉपी को फोटोकॉपी करते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं कंट्रोल की, उसके बाद उसको कंट्रोल कॉपी बना करके हम रिलीज करते हैं, अपने पास रिकॉर्ड करते हैं कि किस किस को हमने कितनी कंट्रोल कॉपी दी हुई है। इसके बाद में सबसे आखिरी आती है हमारी ऑब्सोलीट कॉपी। ऑब्सोलीट कॉपी क्या होती है, यह ऐसी कॉपी या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो, मैं बार बार कॉपी कॉपी बोल रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं डॉक्यूमेंट की। तो ऑब्सोलीट कॉपी जो होती है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑब्सोलीट मतलब खत्म हो गया या पुराना हो गया, वो क्या कहलाएगा, ऑब्सोलीट कॉपी। ऑब्सोलीट कॉपी पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने मास्टर पे, ये जो है मास्टर है हमारा, यहां मास्टर पे सॉरी जो ये हमारी कंट्रोल कॉपी है इस पे हमने ठप्पा लगाया था कंट्रोल कॉपी का, ऐसे ही ऑब्सोलीट कॉपी के ऊपर भी हम ठप्पा लगाएंगे ऑब्सोलीट कॉपी का, और उसको कुछ लोग फाइल करके ऑब्सोलीट कॉपी की अलग फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग प्रोसीजर में डाल देते हैं कि जो ऑब्सोलीट कॉपी होगी हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन आपको ऑब्सोलीट कॉपी रखनी चाहिए। कुछ लोग इसका क्या तरीका करते हैं कि उसको सॉफ्ट में रख लेते हैं, जब रिवीजन रिवाइज करेंगे ना, सपोज कि रिवीजन 01 आ गया
तो रिवीजन जीरो जीरो जो है, मतलब जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, ऑब्सलीट हो जाएगा। तो कुछ लोग इसको सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में आपने एक्सेल बना रखी है, उसमें पहला रिवीजन जीरो जीरो, जब उसमें कोई रिवीजन आया नया तो आपने उसी की कॉपी क्रिएट करी, उसको रिवीजन जीरो वन दे दिया, रिवीजन जीरो जीरो ऑब्सलीट कॉपी हो गई, और रिवीजन जीरो वन हमारी मास्टर और कंट्रोल कॉपी करंट वाली हो गई। तो मोटा मोटा ये डिफरेंस है मास्टर कंट्रोल और ऑब्सलीट कॉपी के अंदर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एक सर्विस भी देते हैं जिसके अंदर हम ऑनलाइन QMS सिस्टम आपका डेवलप कराते हैं, क्लाउड बेस्ड होता है सारा सिस्टम। आप किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोसीजर, कोई भी फॉर्मेट, कोई भी रिकॉर्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी आप कोई भी डेटा उठा सकते हो। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम आपको एक इंटरफेस बना के देते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर जैसे आपके यहाँ HR, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, स्टोर, परचेज, ऑडिट्स, इस तरीके के आपका एक इंटरफेस होगा QMS का, जिसके अंदर आपको सारा डेटा एक जगह दिखेगा। अब सपोज आपको क्वालिटी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स और डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस मिल जाएगा। जब आप को अगर जैसे मंथली प्रोडक्शन प्लान देखना है या डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट देखनी है तो आपको यहां दिख रहा होगा फॉर्मेट लिंक, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अभी मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा करके, लेकिन दोस्तों ये हमने किया कैसे, इसकी नीड कैसे निकल के आई। जब मैं कंपनियों में विजिट करता था तो वहां दिक्कत क्या आती थी कि राम सिंह छोड़ के गया और श्याम सिंह आया क्वालिटी में, उसने क्या किया, सबसे पहले पहला काम किया अपने नाम से एक फोल्डर बनाया श्याम सिंह, अब अपना सारा काम उसके अंदर करना शुरू कर दिया। पुराना पता नहीं क्या था क्या नहीं था, किसी ने कोई चेक नहीं किया, तो उससे क्या हुआ, एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो गई, ना कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोल ना ना कोई सिस्टम रहा। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि आपका पूरा का पूरा QMS कंट्रोल हो जाएगा, आपकी मास्टर कॉपीज कंट्रोल कॉपीज आपके एक्सेस में होंगी, जिसको राइट होंगे वही देख पाएगा, वही व्यू कर पाएगा, वही यूज कर पाएगा, वही प्रिंट ले पाएगा। इससे क्या है, हमारा जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है बाय डिफॉल्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल कॉपी की स्टैम्प मारो ये दो उसको दो, तो हमने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर दिए, ऑनलाइन डाल दिए। आपको जिस भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जिस भी फॉर्मेट की जरूरत है, कहीं नहीं जाना, आपका जो इंटरफेस है, जो क्लाउड बेस्ड इंटरफेस है, उस पे जाना है, वहां क्लिक करना है और उस डॉक्यूमेंट को यूज कर लेना है। यूज भी क्या है, यूजर ही कर पाएगा। सपोज HR के चार डॉक्यूमेंट है तो HR के पास चार डॉक्यूमेंट को ही एक्सेस करने के राइट होंगे, वह पांचवा डॉक्यूमेंट जिसके उसके पास राइट है वह नहीं, राइट नहीं है वह एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक मैं सैंपल आपको दिखाता हूं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये यूजर इंटरफेस है जो हमारा इंटरनल QMS क्लाउड बेस्ड पेपरलेस है उसका। अब सपोज कर लीजिए हमने क्या किया हुआ है, आउटसोर्स कैलिब्रेशन जो है उसको सिस्टमाइज कर दिया, उसको ऑटोमेट कर दिया, और रोकवेल हार्डनेस टेस्टर है इसका नंबर ये है, एक साल में इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो आपको यहां दिख रहा होगा लास्ट कैलिब्रेशन डेट इतनी है, ड्यू डेट इतनी है। तो होगा क्या, जैसे ही ड्यू डेट होगी जिस मंथ में जितने जितने इंस्ट्रूमेंट ड्यू होंगे उठा करके कंसर्न को मेल चली जाएगी कि आपके ये इंस्ट्रूमेंट इस मंथ में ड्यू है, आप इनको भेज करके कैलिब्रेट करा लीजिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री के अंदर, उनको पता ही नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से उनके कैलिब्रेशन के लिए ड्यू है। प्लस जब ऑडिटर ने कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगा या आपने कैलिब्रेशन रिपोर्ट आपको चाहिए या ऑडिटर को चाहिए, तो आपको फाइल खोलने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट क्लिक ऑफ ए बटन पे यहां से अपना डॉक्यूमेंट को बड़े आराम से देख सकते हो। एक बार फिर से करके दिखा देता हूं, ये आपको यहां लिंक दिख रहा है, रिपोर्ट लिंक, आपने यहां क्लिक किया और आपका क्लाउड बेस जो है वो डॉक्यूमेंट खुल करके आ गया, भैया ये अपना डॉक्यूमेंट है और इसकी कैलिब्रेशन रिपोर्ट ये है और नेक्स्ट जो है ये इतनी तारीख को ड्यू होगा। तो ये हमारा जो है ऑनलाइन QMS सिस्टम, ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम है। अगर आपको इस तरीके के सिस्टम की नीड है तो हम लोग यह डेवलप करते हैं, ये बनाते हैं,
आप हमें मेल कर सकते हैं या जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, आपको यह सिस्टम अगर लागू करवाना है। दोस्तों इसके अलावा एक और आपको जानकारी देनी है कि मैं जो आपको भी डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीजें बता रहा हूं, हमारा AYT इंडिया एकेडमी का जो ऐप है उसके ऊपर एक कोर्स आ चुका है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेट्स, प्रोसीजर्स, WIs हर डिपार्टमेंट के आपको मिलेंगे रेडी टू यूज इन एक्सेल वर्ड। आप वहां से सीधा डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हो, इनको रिव्यू कर सकते हो, अपनी कंपनी के हिसाब से उनको यूज कर सकते हो। पूरा का पूरा आप QMS सिस्टम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।